गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो गाइज, कहते हैं तलाश करने से दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है, और वही आज एक नई चीज़ मुझे मिली है। जो विटिलिगो टॉपिक पे हम बात कर रहे थे पिछले लगभग एक महीना हो चुका है, तो गाइज जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण औषधि है बाकुची, बाकुची कह लीजिए, बापची कह लीजिए, जिसके जो ओरिजिनल बीज होते हैं वो मुझे आज मिले हैं, जिसका मैंने पिछले काफ़ी वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि अगर बाकुची के बीज आपको मिल जाते हैं तो आपको उनको ग्राइंड कर लेना है। इतने टाइम दोस्तों हम यूज में ले रहे थे बाकुची चूर्ण, क्योंकि पिछले 3 महीने से, जब से ये डिजीज़ मुझे हुई है, तब से मैं भी इसको जल्दी से जल्दी रिकवरी करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ, काफ़ी भाग दौड़ की है मैंने। तो फिर से जो आज मुझे बाकुची के बीज मिले हैं उसकी मैं आपको पहचान बता रहा हूँ और वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। तो 3 महीने तक लगातार बाकुची चूर्ण का हमने इस्तेमाल किया था, वो भी अगर मिलता है कोई दिक्कत नहीं गाइस, लेकिन जो प्योरिटी है वो चीज़ अगर हमें और कम दाम में मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, तो ओरिजिनल ओरिजिनल होती है। और शुरू से मैं आपको बताता रहा हूँ कि बाकुची कोई महंगी औषधि नहीं है, कोई विदेश में होने वाला, फॉरेन में होने वाला ये कोई प्लांट नहीं है या पौधा नहीं है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। ये खेतों में पाया जाने वाला पौधा होता है, किसी बुज़ुर्ग से पूछेंगे तो राजस्थान में हर खेतों में ये आपको मिल जाएगा, एक जंगली पौधा इसको बोलते हैं हम। तो गाइज ये आपको मैं इसकी पहचान बता देता हूँ, ये पैकिंग में, और जस्ट आगे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल करीब से। तो मैं लेके आया हूँ अभी 100-100 ग्राम की दो पैकिंग, ये देख लीजिए आप, बाकुची जो ब्लैक कलर के इसके बीज होते हैं, और जो उड़द की दाल होती है गाइस, उड़द के आकार का इसका दाना होता है, और बिल्कुल करीब से बताने वाला हूँ। तो ये जो बाकुची बीज अगर आपको मिल जाए तो इसको लाके भी हम ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करने के बाद मैं आपको इसको लेके बताऊंगा कि कितनी डोज, क्या इसकी मात्रा है। जो चूर्ण आप ले रहे थे 2 से 2.5 ग्राम 3 ग्राम, और जो पर्सनली डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड किया था, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये बात मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ गाइज, और मेरे साथ जो डिजीज़ हुई है विटिलिगो, फिंगर पे आप देख चुके हैं यहाँ पे, अभी माइनर डॉट बाकी है। तो जो मेरा ट्रीटमेंट से मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था, और जो मैं अभी ठीक होने की कगार पे हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा सबको मिले। तो आप जो भी वीडियो पिछले देख रहे हैं, जो नए हमसे व्यूअर जुड़ रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग से विटिलिगो टॉपिक फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो, जो कि चैनल पेज पे जाइए, तो आपको उसमें दिखेगा कि कितना मैं लिप और फिंगर पूरा वाइट हुआ था, लिप के अलावा नीचे की स्किन भी वाइट हो गई थी। तो उसके लिए आपको चैनल पे जाना होगा और वहीं से वो आप देख पाएंगे। उसके बाद पूरा देखेंगे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है गाइस, थोड़ा पूरा देखिए, टाइम स्पेंड कीजिए, तो आपको पूरा बारीकी से जो इनका फंडा है, कैसे एक ओनली ये जो 35 रुपीज़ में 100 ग्राम बाकुच का बीज आता है गाइस, जो कि आप अभी देख रहे हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों ये है असली बाकुची, या बापची कह लीजिए, इसके बीज ये आपके बड़े काम में आने वाले हैं, तो इनकी पहचान कर लीजिए किस तरीके बाकुची के जो बीज होते हैं। जैसे जैसे एक अलग रूप में आपके पास पहुंचता है, ये जैसे पानी की बोतल होती है जो हम फ्री में पानी पी रहे हैं, फिल्टर हो गया 20 का हो गया, फिर और हाई फिल्टर हुआ 2000 3000, जैसे जैसा आदमी वैसे पैसा अपने को वसूलना है गाइज। तो अगर शुद्ध चीज़ मिल जाए खेतों में, जो चीज़ होती है, चाहे फ्रूट्स हम अगर खेत में जाके अपने घर पे लगाए तो जीरो कॉस्ट है गाइज, और वहीं से अगर हम खेत पे तोड़ के खा लेते हैं या खेत से खरीदते हैं कम कॉस्ट, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ती है, और जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उस चीज़ को वैसे भी कॉस्टली धीरे धीरे कर दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, बाकुची बीज जो मैंने अभी आपको वीडियो में आपने देखा है स्क्रिप्ट के अंदर, बिल्कुल करीब से मैंने आपको बताया किस तरह का ओरिजिनल होता है, क्या इसकी बनावट होती है। अभी आपका नेक्स्ट माइंड में आ रहा है कि ये मिलेगा कहाँ, तो गाइज ये मिलेगा आपको आयुर्वेदिक जो स्टोर होते हैं, जहाँ पे कई जगह पंसारी की दुकान कह लीजिए, या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ रखते हैं, जहाँ सत्तावरी है, सुगंधा, ये सब ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है गाइज आपको।
बड़ी दुकानें होती है, आप अगर नहीं मिल रहा नियर बाई आयुर्वेदिक स्टोर गूगल मैप पे जाके सर्च कीजिए, बिल्कुल आपको मिलेगा। और ये जो दवाई है गाइस, बाकुची बीज भी मिल जाते हैं, डॉक्टर से भी आप कंसल्ट करेंगे तो वहाँ बाकुच के बीज आते हैं, पाउडर आता है हर कंपनी का, एक शुद्ध चीज़ मिल रही है गाइस, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे और अभी आपके सामने मैं इसको लेने वाला हूँ। तो जब आप जाएंगे बड़े स्टोर पे, क्योंकि उनकी मार्केट में वैल्यू होती है, चीटिंग नहीं होती गाइस, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको दे रहे हैं, तो ये आप ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ें बाकुची जो बीज है और बाकुची ऑयल है और एक कॉपर का जो पानी है और खदीरा रिस्ट, ये सब अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, क्योंकि मैं फेक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो ये विटिलिगो आपने देखा है चल रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डाउट ना रखें और विश्वास कीजिए डॉक्टर पे, तो विश्वास करना ही होगा। अब आपकी ये आपकी चॉइस है कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे जाते हैं या होम्योपैथिक पे जाते हैं, लेकिन मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा का जो मेरे विटिलिगो था ये आयुर्वेदिक से ठीक हुआ है और रिकवरी सबके सामने है। और आपसे डायरेक्ट मेरी बात हो रही है, ना मैं डॉक्टर हूँ, एज ए पेशेंट। तो करना क्या है कि बाकुची के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है, कॉस्ट भी ओनली 35 रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये मान लीजिए आप, 30 से 40 रुपये में आपको 100 ग्राम यानी किलो 300 रुपये में 1 किलो बीज आ जाता है गाइज। और जब हम पाउडर फॉर्म में इसको लेते हैं तो 50-60 रुपये 100 ग्राम के हमको देने होते हैं, लेकिन जब प्योर चीज़ मिल गई आखिरकार तलाश कोशिश करने से गाइज हर चीज़ मिल जाती है, तो क्यों ना हम प्योरिटी का इस्तेमाल करें। तो जो रामबाण चीज़ है वो है बाकुची। तो दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि डॉक्टर बनना गलत है और किसी को गुमराह करना भी गलत है, गुमराह करने से, और मेरा इसमें कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है पैसा कमाने का आपसे, और जिनके भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है वो मेरे को काफ़ी के मैसेज मिले और अदर्स भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते रहिए, ताकि जो जिनको विटिलिगो है उनको भी मार्गदर्शन मिलता रहे और वो भी एक नई आशा के साथ नई लाइफ शुरू कर सके। और गाइज इसको मैं ग्राइंड कर ही लेता हूँ और वीडियो को स्किप ना करें, काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। और गाइज जो अभी ये देखिए, ये बीज इसमें मैंने डाला है 100 ग्राम और मिक्सर ग्राइंडर की आपको आवश्यकता होगी। ये देखिए गाइज, ये बीज बिल्कुल करीब से और दिखा देता हूँ मैं आपको, हाथ में ब्लैक कलर का होता है और कोई चिटिंग नहीं करेगा गाइज। फिर आपकी चॉइस है कि आपको कैसा ट्रीटमेंट लेना है, लाखों में करोड़ों में किस तरह का, या बिल्कुल फ्री बहुत सस्ते में इस बीमारी को दूर भगाना है। और रही बात, अभी कोविड आने वाला है गाइज, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क जब भी बाहर निकलें मास्क लगाइए, क्योंकि अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ और ज़्यादा गाँव के अंदर पब्लिक का आना जाना नहीं है मेरे यहाँ, मुश्किल से 1-2-3 कस्टमर दिन में आते हैं, तो अभी मैंने मास्क नहीं लगाया है, वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन जब भी भीड़ भाड़ में जाए मास्क लगेगा ही, क्योंकि मेरे को भी खांसी और जुकाम हो चुका था बीच में, बड़ी मुश्किल से वापस रिकवरी हुई है। तो कोविड से बचिए, पिछले 2 साल में जब फर्स्ट लेयर आई थी लाखों की संख्या में लोग अपनों को खोया है लोगों ने, तो सुरक्षित रहिए अपने परिवार के लिए। तो सबसे पहले इसको मैं ग्राइंड कर लेता हूँ, फिर आपको लेके भी बता दूंगा किस तरह इसको लेना है। तो गाइस ग्राइंड करने के बाद ये ब्राउन कॉफी कलर में ये आपके पाउडर बनेगा, जो ब्लैक कलर था वो ब्राउन में। तो ये एक और पहचान बता देता हूँ, जैसे ग्राइंड करने बाद बाकुची जो है ये इस फॉर्म में आपके सामने आएगा। अभी अगर आप ज़्यादा बीज ना लाएं, मैं 200 ग्राम लेके आया हूँ, क्योंकि ये जब ये कम से कम मेरे 1 से 2 महीने तक की डोज हो जाएगी गाइस, कि कम मात्रा लेनी होती है, ज़्यादा
जो बाऊची होता है ले नहीं सकते हम, तो इसको एक को मैं रख देता हूँ यहाँ पे। और ये जो बिल्कुल ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, और अगर आपको थोड़ी लेने में दिक्कत है तो थोड़ा और ग्राइंड कर ले, बाकी हल्का बुरबुरा रहने दे इसको। तो अब इसको मैं, ये देख लीजिए, ये इस तरह के ये बीज को, ये जो प्लास्टिक का एक मेरे पास एयरटाइट डिब्बा है इसमें पैक कर लेता हूँ। और आप भी इसको, क्योंकि गाइस अभी जो सर्दी का टाइम है, मौसम के हिसाब से इसमें सीलन वगैरह भी आ सकती है, तो थोड़ा थोड़ा इसको ग्राइंड करें। और अब लेना कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसमें से ये मात्रा है, सबसे बड़ा डाउट ये होता है कितना लेना है, ये देख लीजिए, चौथाई चम्मच ये मैं ले रहा हूँ आपके सामने, और बाकी आप डॉक्टर की एडवाइस से ले, 2 ग्राम या इससे भी कम आपको रिकमेंड किया जाता है जितना। क्योंकि कल को आप, ये नहीं है कि मेरे ऊपर आप कल को क्लेम करें या मेरे को बोले सर आपने ये बताया, ये सर नहीं बता रहे। और ये जो मेरे फिंगर आप देख लीजिए, अभी हल्के हल्के जो स्किन बीच से मैच हो चुकी है, और जो फिंगर पे हल्का सा डॉट है, लिप का लगभग कंप्लीट हो चुका है गाइस। सबसे पहले लिप का रिकवर हुआ था, ये देख लीजिए आप, और स्किन का यहाँ से भी ये ठीक हो चुका है। तो ये आज फिंगर का हल्का सा, तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि फिर से ये पेचे शुरू हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता है कोई भी बीमारी हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ को समय रहते हैं अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे आपके रिश्ते हों लाइफ के, तो वो बिगड़ने से पहले से फिर से लाइन पे आ जाते हैं। तो अब इसको मैं आपको लेके बता देता हूँ। तो गाइस वीडियो को स्किप करने से कुछ नहीं होगा, अगर आपको ठीक होना है लाइफ इस बीमारी से तो समय देना होगा आपको, और फालतू इधर उधर की बातों में ना आए, और ये सब चीज़ें डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद ही करेगा गाइस, क्योंकि कल को मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आए। और ये डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा, ये 100% आप मान के चलिए, आयुर्वेद में अगर आप जाएंगे तो आपको 100% ये रिकमेंड किया जाएगा, क्योंकि जो एलोपैथिक होम्योपैथिक है उसकी मेडिसिन का मेरे को नॉलेज नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने इस दवाई का सेवन करके और जो मेरा विटिलिगो है, सफ़ेद दाग है, ये रिकवर हुआ था। तो मैं केवल इसी की बात कर रहा हूँ, और इसका आपको सबसे पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि कल को आप मेरे को ब्लेम ना कर सकें। और मैं आपको लेके बता देता हूँ, और खाना खाने के बाद लेना गाइस, और जो बाकुची तेल है उसकी दोनों टाइम हल्की हल्की मालिश करते रहिए, और जो खदीरा रिस्ट है वो 5-5 ml दोनों टाइम खाना खाने के बाद, वो भी मैं ले रहा हूँ गाइस। तो लाइफ को एंजॉय करते रहिए, लगभग चौथाई 1/4 से थोड़ा कम डोज रखना है आपको। और गाइस इसके साथ हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ताकि इसके अलावा भी हम काफ़ी टॉपिक है उन पर बातें करेंगे, और विलेज लाइफ से जुड़े वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, और कैसा यहाँ का कल्चर है, गांव में क्या होता है, कैसी लाइफ होती है गाइस। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, लेके आएंगे एक ऐसा ही न्यू व्लॉग विटिलिगो व्लॉगर नाम से। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते एक नए व्लॉग में, थैंक यू।